Hi guys, welcome to E-Vidyarthi Rotten. This is Varsha. To start karte hain hamara poem Amanda, jisko likha hai Robin Kellen ne. So Amanda kya hai, kis kaisi poem hai, ye sab hum dekhenge. Lekin pehle Robin Kellen kis tarike se likhti hai, kiske liye likhti hai, wo jaan lete hain. So here is our Robin Kellen. Robin McNaught Kellen is an Australian author of books for children. यानी कि हमारी ये जो रॉबिन केलेन है ये ऑस्ट्रेलियन है नेटिवली, यानी कि इनका जो देश है वो ऑस्ट्रेलिया है और ये बच्चों की किताबें लिखती है. She writes children and young adult fiction. तो ये बच्चों की किताबें लिखती है और साथ ही साथ यंग एडल्ट की भी, यानी कि जो टीनेजर होते हैं उनके लिए भी किताबें लिखती है. Some of her famous books are Hating Alison Ashley, People Might Hear You, etc. तो इनके यहाँ पे कुछ famous books भी दे रखी है जिनको आप पढ़ सकते हो और आपको ये जरूर अच्छी लगेंगी. In this poem, the poet Robin Kellen says that a child should never be denied freedom. तो इस poem में हमारे Robin Kellen ने क्या बात कही कि कोई भी बच्चा हो उसको उसकी freedom कभी भी नहीं छीननी चाहिए उससे. It deals with the upbringing of a small children, Amanda, highlighting the struggle faced by the child. तो यहाँ पे वो बहुत ही अहम बातें कह रही है कि किसी भी बच्चे से चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, कितना ही ज्यादा मूडी क्यों ना हो, उससे उसकी फ्रीडम नहीं छीननी चाहिए. और ऐसा करके ये क्या कर रही है, बच्चों की स्वतंत्रता की बात कर रही है. तो साथ करते इस पोएम को, समझते इस पोएम को. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कोई एक ऐसा स्पीकर है, यानी कि स्टोरी में कुछ बातें कही जा रही है इस पोएम में कि अपने नाखूनों को दांत से मत काटो, अपनी पीठ को सीधी रखो, अपने दोनों शोल्डर्स को क्या करो, सीधा रखो, हंच मत करो, ऐसे कुबड़ो मत. तो ये सारे इंस्ट्रक्शन मिल रही है ना. नेक्स्ट देखते हैं. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. तो यहाँ पे अभी पेरेंथेसिस में हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कुछ अंदर की बातें हो रही है, कुछ थॉट्स की बातें हो रही है और ये बातें कह रही है हमारी अमांडा. अमांडा क्या कह रही है कि एक ऐसी सी है, लैंग्वेज सी है, एक रिलैक्सिंग सी है, यानी कि शांत और स्थिर समुद्र है जहाँ पे एक ही इंसान रहता है और वो कौन है, वो मैं हूँ. और मैं क्या हूँ, मर्मेड हूँ. अपने आप को मर्मेड से कंपेयर कर रही है, जल परी से कंपेयर कर रही है और कह रही है कि मैं बहुत आराम से ब्लिसफुली, मतलब मेरे को कोई होश नहीं है, खबर नहीं है दुनिया की, और ड्रिफ्ट कर रही हूँ, तैर रही हूँ उस पानी के अंदर. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoe, Amanda. Now again, वो thought जो है, वो जो imagination है, उसे बाहर आ चुके हैं हम और देख रहे हैं कि फिर से instructions मिल रही है. और क्या क्या instructions मिल रही है कि क्या तुमने अपना homework कर लिया Amanda, या फिर तुमने अपना room सही कर लिया जो कि बहुत ही अस्त व्यस्त था, या तुमने अपने जूतों को साफ किया Amanda. तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, ये सारी चीजें बताई जा रही है अमांडा को. अगेन हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्टैंजा में कि अमांडा अपनी दुनिया में खो गई है और क्या सोच रही है. आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैक इन सॉफ्ट डस्ट विद माय हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज फ्री. तो यहाँ पे हमारी जो अमांडा है वो अपने इमेजिनेशन में ये कह रही है कि मैं एक ऑर्फन हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, स्ट्रीट्स पे घूम रही हूँ, सड़कों पे घूम रही हूँ और अपने पैरों से क्या बना रही हूँ, पैटर्न्स बना रही हूँ, आकृतियां बना रही हूँ. और यहाँ पे फिर उसने क्या बात की, साइलेंस इज गोल्डन, यानी कि मेरी जो चुप्पी है वो स्वर्ण है. सबसे ज्यादा उसको क्या मायने रखता है, उसकी चुप्पी, उसकी शांति. और फिर फ्रीडम को उसने तुलना की है मीठा से कि फ्रीडम मेरे लिए क्या है, मीठा है, मेरे को फ्रीडम बहुत ही ज्यादा प्यारा है. नेक्स्ट स्टैंजा कहता है, डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा. नाउ अगेन यहाँ पे जो पेरेंट है जो इन्हें डांट रही है अमांडा को, कहती है कि चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें तुम्हारे मुहासे जो पिंपल्स होते हैं याद है ना,
क्या तुम मुझे देखोगी जब भी मैं तुमसे बातें कर रही हूँ? क्योंकि अमांडा क्या करती है, वो जो भी उसके पेरेंट्स उससे बात कहते हैं तो उनके सामने देखती नहीं, उनको आंखों में आंखें डाल के नहीं देखती है। और कई बार इसके पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ये क्या कर रही है, अनसुना कर रही है इसकी बातों को। तो इस वजह से कहते हैं कि आंखें हमसे आंखें मिलाओ, हमें देखो, और जब भी तुमसे कोई बात करे तो उनकी आंखों में आंखें डालकर देखो। तो यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं अमांडा को रिगार्डिंग कि किस तरीके से उसे बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से उसे अपना काम करना चाहिए, और यूं कह सकते हैं कि किस तरीके से उसे दिखना चाहिए। क्योंकि आप देख सकते हैं कि चॉकलेट खाने से ये मना किया जा रहा है, और क्यों? ताकि उसको मुहासे ना आए, पिंपल्स ना आए। नेक्स्ट देखते हैं इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है हमारी अमांडा की। सो अमांडा कहती है, आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ In a tower is tranquil and rare. Tranquil का मतलब peace, calmness. I will certainly never let down my bright hair. So we all know about the story of Rapunzel. कि Rapunzel कौन थी? Rapunzel एक princess थी जिसको tower में बंद कर दिया गया था। तो ये वाली जो story है, उसकी खुद को नायिका समझती है ये Amanda कि मैं Rapunzel हूँ और मुझे इस दुनिया की कोई care नहीं, मैं carefree हूँ। और मैं कहाँ रहती हूँ? Tower में रहती हूँ, एक मीनार पे रहती हूँ। और मेरी जो लाइफ है वो क्या है? बिल्कुल काम है, शांत है, और बिल्कुल मैं क्या हूँ? किसी से मेरे को कोई वास्ता नहीं है। और मैं अब क्या करूँगी? मैं अपने बालों को भी किसी के लिए नीचे नहीं लहराऊंगी कि उन बालों पे चढ़ के वो मेरे तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे जो हमारी अमांडा है वो क्या कर रही है? वो ये चाहती कि वो अकेली रहे और तो और उससे कोई बात ना करे। तो उसको कहीं ना कहीं फ्रीडम के साथ साथ पीस भी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि बार बार शाउटिंग एंड स्कोल्डिंग सुनते सुनते वो भी कहीं ना कहीं थक गई है। देखते हैं, स्टॉप दैट सकलिंग एट वंस। नाउ अगेन अमांडा को फिर से इंस्ट्रक्शंस मिल रही है कि झुंझलाना बंद करो अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनी वन वुड थिंक आई नाग दैट यू अमांडा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि तुम बहुत ज्यादा क्या करती हो, गुस्से में रहती हो, तुम बहुत ज्यादा चिढ़ती हो, और कोई अगर तुम्हें देखेगा, कोई हमें देखेगा इस तरीके से बोलते हो तो उन्हें यही लगेगा कि मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पेरेंट है वो जानता है कि अमांडा भी परेशान हो रही है, और दूर से देखने पे ये लग रहा है लोगों को कि जो पेरेंट है वो कहीं ना कहीं अमांडा के साथ बुरा कर रहे हैं। लेकिन सोच के देखो, अगर पेरेंट्स अमांडा को नहीं बताएंगे कि तुम्हें क्या करना है तो हमारी अमांडा क्या कर सकती है? उसे नहीं पता होगा कि क्या करना और क्या नहीं करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, शांत रहने के चक्कर में ही क्या करते हैं, वो कुछ चीजें जो बहुत जरूरी काम होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, जैसे कि अपना होमवर्क नहीं बनाते हैं, और फिर जब वो स्कूल जाते हैं तो उन्हें पिटाई पड़ती है, डांट खाना पड़ता है, इस तरीके की चीजें होती है। तो पेरेंट्स का रोल हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है ना। पेरेंट्स हर चीज हमें बताते हैं, हमें इंस्ट्रक्ट करते हैं, बट बहुत ज्यादा इंस्ट्रक्शन भी कई बार एक छोटे बच्चे के लिए क्या हो जाता है, प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। बहुत ज्यादा उन्हें प्रॉब्लम होने लगता है कि इतना क्यों डांट रहे हैं। सोच के देखो, जब आप भी 8-9-10 साल के होंगे तो आपको कितनी ज्यादा बार किसी भी काम के लिए बोला जाता होगा, होमवर्क बना लो, पढ़ाई कर लो, टीवी बंद कर लो, और कई बार आपको भी लगता होगा यार काश मम्मी पापा दूर चले जाए, है ना। तो यही चीजें हमारी अमांडा के साथ होती है। चलिए हमारी पोएट क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। तो देखिए, रॉबर्ट फ्लेन हैज डिस्क्राइब्ड बोथ एंड वेरी केयरफुली इन दिस पोएम एंड ट्राई टू एम्फेसाइज दैट बोथ चाइल्ड एंड पेरेंट नीड अ कॉमन ग्राउंड व्हेन दे कैन टॉक अबाउट देयर इश्यूज। तो जो रॉबिन क्लीन है हमारी तो रॉबिन क्लीन क्या कह रही है, वो दोनों ही ग्राउंड्स को उन्होंने अच्छी तरीके से दिखाया, एक पेरेंट का पर्सपेक्टिव और एक बच्चे का पर्सपेक्टिव उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से प्रेजेंट किया है। तो किस तरीके से पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शंस भी उतने ही जरूरी है जितने कि एक बच्चे का फ्रीडम जरूरी है। और कहीं ना कहीं माता पिता को बच्चों के साथ भी एक बात संवाद रखना चाहिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, बार बार क्यों उन्हें डांट रहे हैं, बार बार कोई काम करने के लिए क्यों कह रहे हैं, ताकि बच्चे समझ पाए कि पेरेंट्स क्या चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमारी जो रॉबिन क्लेन है वो क्या एम्फसाइज करती है, शी एम्फसाइजेस दिस बाय द पोएम एंड पॉइंट्स दैट चाइल्ड शुड नेवर बी डिनाइड ऑफ देयर फ्रीडम दो थ्रू अमांडास इमेजिनेशन। और साथ ही साथ वो ये भी कहने चाहती है कि देखो, तुम बच्चों को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तुम्हारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, पेरेंट्स के ऊपर ही जिम्मेदारी होती है बच्चों को बड़ा करने की, उनको सोसाइटी की वैल्यूज और रूल्स सिखाने की,
लेकिन साथ ही साथ आप उस बच्चे से उसका फ्रीडम, उसकी स्वतंत्रता मत छीनो। पर आप देख सकते हो कि अमांडा की जो इमेजिनेशन है वो काफी एक्सट्रीम में बहुत ज्यादा हद से बढ़ के इमेजिनेशन वो करने लग जाती है। एक बार तो वो ऑर्फन होने की बात कह देती है कि काश मैं ऑर्फन होती। लेकिन सोच के देखो ऑर्फन होना कितना बुरा है, और ये जो सबसे बुरी चीज, हम में से कोई भी नहीं चाहता कि किसी के साथ ऐसा हो, तो ये चीज अमांडा अपने लिए सोचती है। सो कितनी ज्यादा उसको प्रॉब्लम हो रही है अपने पेरेंट्स के साथ कि वो ये चाहती है कि दुनिया में उसके लिए कोई भी ना रहे, है ना। तो ये चीजें रॉबिन क्लेन हमें दिखाना चाहती है कि बच्चे भी कई बार परेशान हो जाते हैं, और इस कदर परेशान हो जाते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि उनके साथ कोई रहे भी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, श्योरली पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड अपब्रिंगिंग, बट दैट शुड नॉट मेक चाइल्ड फील ट्रैप। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, पूरी जिम्मेदारी है कि बच्चों को बड़ा करना, उनको सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेबल बनाना, रूल्स एंड एंटीक, शिष्टाचार सिखाना, ये सारी चीजें पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। लेकिन उन्हें इतना ज्यादा उन चीजों को बच्चों पे नहीं थोपना चाहिए कि कई बार बच्चे क्या करने लगते हैं, ट्रैप फील करते हैं, पिंजरे में बंद पाते हैं खुद को। तो इतना भी ज्यादा ये सारी चीजें बच्चों पे नहीं थोपनी चाहिए। एक डेमोक्रेटिक माहौल बना के रखना चाहिए, एक स्वतंत्र माहौल बना के रखना चाहिए, जहाँ पे बच्चे खुद की बात भी रख सके और खुद की मर्जी का भी काम कर सके। सो लिटरेरी डिवाइस देखते हैं हम, लेकिन उससे पहले हम राइमिंग स्कीम की बात कर लेते हैं। तो राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो पूरी की पूरी जो पोयम है, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ और सेवंथ स्टैंजा, वो सब क्या है, यस, बोली जा रही है, वो कॉन्वर्सेशन है, तो वहां पे आपको राइमिंग नहीं देखने को मिलेगी। अमांडा जहां जहां इमेजिन कर रही है, जहां उसकी इमेजिनेशन है, वो काउंट होगा, उसके अंदर आपको राइमिंग देखने को मिलेगी। देखते हैं हमारे सेकेंड स्टैंजा पे चलते हैं और देखते हैं उनके इमेजिनेशन को। तो फर्स्ट इमेजिनेशन में वो क्या कहती है, देयर इज लैंग्विड इमरलैंड सी सी, एंड देन यू कैन सी कि लास्ट वर्ड सेकेंड लाइन की मी है, एंड देन ब्लिसफुली। तो मी सी ब्लिसफुली, ये तीनों ही राइम कर रहे हैं और सेम राइमिंग वर्ड है, तो हम लिख सकते हैं ए ए ए। फोर्थ पे चलते हैं, फोर्थ हमारा कहता है, फोर्थ का लास्ट वर्ड देख लेते हैं हम, स्ट्रीट पीक एंड स्वीट, सेम राइम के वर्ड्स है ये सारे, तो इनको हम डी दे सकते हैं और इस वाले स्टैंजा का हो जाएगा बी 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 राइमिंग स्कीम। लास्ट जो हमारा स्टैंजा है जहां पे हमें राइमिंग देखने को मिल रही है वो है सिक्स स्टैंजा, और यहाँ पे अगर हम लास्ट वर्ड्स को देखें तो केयर, रेयर एंड हेयर, सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है, तो यहाँ पे हम सी 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 की राइमिंग देख सकते हैं, है ना। सो दिस इज योर राइमिंग स्कीम ऑफ दिस अमांडा पोयम। कुछ खास ऐसी राइमिंग यूज नहीं की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट लिटरेरी डिवाइस है यहाँ पे एलिटरेशन, जिसको हम क्या कहते हैं, रिपीटेशन ऑफ सेम कॉन्सोनेंट, सेम साउंडिंग कॉन्सोनेंट। तो बहुत सारी जगहों पे इसका यूज हुआ है। इसका एक एग्जांपल है, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। तो एस कॉन्सोनेंट का बार बार रिपीटेशन हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारी जगहों पे, तो एलिटरेशन इज यूज हियर। नेक्स्ट है रिपीटेशन। रिपीटेशन क्या होता है, वर्ड्स का रिपीटेशन, जब वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, और कैसे रिपीट हो रहे हैं, यस, बार बार आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो पूरा का पूरा पोयम में एक वर्ड बहुत बार आया है, वो है अमांडा। अब देखोगे फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, सब के अंदर हमारे अमांडा को बुलाया गया है, अमांडा अमांडा बोला गया है, हर सेंटेंस में अमांडा का यूज हुआ है। तो रिपीटेशन ऑफ अमांडा या यूज ऑफ अमांडा वर्ड। नेक्स्ट देखते हैं लिटरेरी डिवाइस एनाफोर। तो एनाफोर क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वर्ड एट स्टार्टिंग ऑफ द वन लाइन, टू लाइन और मोर। तो दो लाइन से, दो से ज्यादा लाइन में अगर सेम वर्ड का यूज हो रहा है तो उसको हम कहते हैं एनाफोरा, हमारा डिवाइस यूज हुआ है। तो आपने देखा होगा फर्स्ट लाइन में ही, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स। तो यहाँ पे हम डोंट दो सेंटेंसेस में, दो कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस में देख पा रहे हैं, तो एनाफोरा इज यूज। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास मेटाफर। मेटाफर हमने जाना था कि अ वर्ड और फ्रेज फॉर वन थिंग दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अनदर इन ऑर्डर टू शो सजेस्ट दैट दे आर सिमिलर।
तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन जब भी हम करेंगे ना तो उसको हम क्या करेंगे, मेटाफर। और कंपैरिजन के अंदर भी हमें क्या करना होगा, लाइक और एज का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि लाइक और एज का इस्तेमाल करेंगे तो वहां पे क्या होगा, सिमिली आ जाएगा, है ना। तो मेटाफर में हम क्या करते हैं, सिंपली वर्ड्स को उठा के वहां पे डाल देते हैं। जैसे कि अमांडा ने खुद को रिपंजल कहा, ऑर्फन कहा और मर्मेड कहा, आई एम रिपंजल, आई एम एन ऑर्फन, आई एम अ मर्मेड। तो यहाँ पे उसने क्या किया है, हमारी पोएट ने अमांडा के लिए मेटाफर का यूज किया है। सो दीज आर द लिटरेरी डिवाइसेस जो कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे पोएम में यूज हुए हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोएम। हमने देख लिया, एक्सप्लेनेशन देखा, मीनिंग समझा, ना हमने लिटरेरी डिवाइस देखे। आप क्या बच गया, हमारे क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।